महंत जी फैसला कैले बाड़न कि वहाँ के ए साल आपन घर के छठ मठ के घाट पे ना बल्कि गांव के पोखरा पर पूरा गांव वालन के साथे करी है। माई दिले रही रहुआ लोग खाते हम कहत ना रहनी भौजी कि दुल्हन के गांव से हमने खाती साड़ी जरूर आई आता नहीं अपन साड़ी देखाओ तो ए नाना जी पूरा दिन पड़ल बा साड़ी देखे के दुल्हन तू निमन से तैयार हो जा बड़ घर की दुल्हन जैसे वो काहे खातिर अम्मा जी आज तारा कन्हैया जी के साथ सगाई में जाए के बा बड़ परिवार हा और हमने के पुरान परिवार के रिश्ता बा तो रउआ लोग काहे नहीं खिचल जा अरे अब तक तो हमने ही निभावनी जा आगे से तू ही लोग के निभावे के बा पहला बार क्यों के परोजन में जाता रू ठीक बा नीमन साड़ी पहन लिया गाना वाना पहन लिया आ अपन सीता हरवा जरूर पहन लिया लोग देखी तो कहीं चौधरी जी के पतो ही आई बड़ी चला माई ए माई तनी देखा था दीदी हमरा के देके गई लिया ये कब दे दिलस ओकरा में इहे खराबी बा हमरा से कहबो ना कैलस है आ इतना महंगा कपड़ा तहरा देबे के का जरूरत रहे कोनो तहार बियाह ठनल बा का माई शौक रहला अपन बहन के देवे खातिर तो दे देलस ए बचवा बहु आ गई नहीं पढ़ाई ना जी
एकदम खाना खाए के बेरा पर आवे ली आई पढ़ाई लाजी बैठे का देता हाँ ली बैठी बैठी अरे सोचनी हाँ कि बड़की तो गर्ल ससुराल तू उदास हो खूब ऐसे चलेंगे हम ठीक कहलू आ गए लो तो अरे साड़ी कपड़ा खरीदा तो का हो इता बड़की दे गई ला सरला के इतना लड़की गांव में आईली सा गईली सा मगर कसम से आज तक हमरा के को ब्लाउज़ पीस ना दिली सा लेकिन तहार बड़की आहा बेचारी हमरा के साड़ी पहना के गई फड़ाई ना जी ओकर बस चले तो कुबेर के राज लुटा दे वो हाँ हो बचवा बो तहार बड़की के तब बुद्धि या विचार सब खानदानी बा अरे मंजुआ के तो ओकर नेकी चुकाए ना चुकी मंजुआ के तो जिंदगी बच गई आ जाना तरू ओकर आदमी आवता शहर से ओकरा के ले जाए खाती अच्छा तो अब तो मंजू के भौजाई बहुत खुश हुई हैं अखा खुश हुई हाँ ओकरा ऊपर तो विपत्ति पड़ गई बा मंजू खानी लड़की जे मुफ्त में ओकर काम करे अब जाती है ए बचवाबो तू तो बड़की से तो लिपट गेलू लेकिन भगवान छोटकी के भी कहीं पार लगा देस कहीं के का मतलब हम तो अपन पसंद से ब्याह करे भाई देखो ना बड़ जट के सामने कह जला दे बोलल जरूरी बा ना तो कहीं ले जाके फट दी बस करा बहुत बोल ले लू जा देखा कुसुम चाची से पूछा कि हलवा बचल हुई तो पढ़ाई नाजी खातिर ले आवा थोड़ा सा हाय बचिया जा तनी हलवा ले आवा आ सुनो उमें भैंस के गरम घी करके छोटका कटोरे से एक कटोरी मिला दी हा ले आओ भौजी अमर बबुआ आई बैठी राव रे काले पते घर में हम बैठल बनी भौजी हां तो हम तो कहत नहीं रहुआ चिंता मत करी राव भैया से ये बात हम कह देले बनी बाबूजी के सामने हम कहत भौजी रहुआ लागत आ काला से इन लोग के कोनो फर्क पड़े वाला बाटे देखी हम तो रहुआ इतने भरोसा दिला सकी ना कि राव काम तो होके रही का होके रही भौजी खाली 2 दिन रह गेल बाटे फार्म भरे खातिर 2 दिन हां तो और का जितना लेकर लोग फार्म लिया लल सब भर भर के जमा कर देलस अंबानी के घर में लिया के फार्म बैठल बानी देखी रउवा एगो काम करी सबसे पहले जाके फार्म भर दी पैसा तो बाद में नहीं देवे के बा पैसा दिला के पहले थोड़ा और जानकारी मिल जाए तो का बुराई बा हम वहू पर ना होगी तब का करब कैसे ना होगी रउवा अपने भौजी पे भरोसा ना बका ऐसे काहे कह दनी भौजी रउवा के ऊपर तो खाली भरोसा बा हमरा के तो जाई देर मत करी जा जा तनी का कुछ पत्र लेने का देखी सरकारी नौकरी खातिर 2 लाख रुपया कुछ नहीं थी अरे रउवा लोग कहीं से इंतजाम करके उनका दे दी जा उनका काम हो जाए अरे ठीक बा भाई उनका काम हो जाए बाकी ये सब बात अभी बाद में अभी तू तैयार ना भइलू राजजी के बेटा के सगाई में जाएगा बा कि ना हमरा मन नहीं खे अब ऐसा मत कह एगो तो कितना दिन बाद हम दोनों आदमी के घूमे के मौका मिलता चलो जल्दी से तैयार अरे घूमे खातिर जिंदगी पड़ल बा तो मना भी कर देती लेकिन माई या बाबूजी बड़ा शौक से तारा के भेजा था उन लोग के मन बाटे कि उनकर सुगर पतों के लोग सब लोग देखे तरुआ कोनो बहाना बना दी देखो ई सगाई अगर आज के बदले काल रही थी तो हम खुद ही बहाना बना देते ऐसे कि काल नाली के टेंडर निकले वाला बा एको तो हमरा ई बात नहीं खे समझ आवत कि रवा लोग महान संगे काहे काम करत हैं ओकरा से दूर के रिश्ता ठीक बा देखो बात तो तार सही बाटे हमरो ये विचार लेकिन का करी माई बाबूजी घर के सब लोग के दबाव रहे ओसे टेंडर भरे के पड़ल पता ना हमरा त एमे ओकर भाई के कोनो चाल लागत अरे टेंडर जब हमरा नाम पर बा त केउ चाल चल के का करी उ लोग के भरोसा कइला ठीक ना बा देखो बस हम इतने जानत आनी कि अभी फटाफट तैयार हो जा हमनी के सगाई में चले के देर हो रहल बस 1 घंटे में वापस आ जाइए हां हम तैयार होता नहीं तू हो जा Thank you.
जब देखा तब कन्हैया जी, ऐसा लगा तो हमें घर में कुछ है ही नहीं की। दुल्हन, ताहर सीता हर कहाँ बा? मालिक। हूँ, बोल। मालिक, काहे न कुछ और लोगन के खेत लेके नगदी पे करल जाए? का? अरे आपन खेत तो होते नहीं थे, अब दूसरा के खेत लेने के बात करते रहे। देखी मालिक, पहले के बात और रहल है, अब तो घर में सब साधन भी मौजूद बा, ट्रैक्टर से काम भी फटाफट हो रहल बा। मालिक बस एक बार हुकुम दे दी, सब काम तो हमनी के करल बा ना। तो ये बात हमरा से मत कर। तब के तरह से करी? अरे कन्हैया जी से। अरे उनके नु सब करे के बा। कन्हैया जी तो तैयार बाड़े, ओहे तो हमरा से पूछे के कहन रहले ने। अच्छा हां, अब बाबू जी का ओ हमरा फार्म भरे खातिर पैसा चाहत रहलो। कैसन फार्म? ओ मिलिट्री वाले बोले रहली है ना, खाली दो दिन रह गेल बटे। अब कन्हैया जी से ना कहला है? उ का कहत रहे? अरे का कन्हैया जी, कन्हैया जी हर बात में कन्हैया जी, हमरा जी उनकरा से पूछे खातिर। अरे कितना भड़कत का है, का हो गई? का हो का गई, जब देखा तब कन्हैया जी, ऐसा लगा तो हमें घर में कुछ है ही नहीं की। कन्हैया जी हाँ कह देना तो हाँ, कन्हैया जी ना कह देना तो ना। रखना चाहिए फार्म भरे खातिर। हाँ सर, ठीक बात। जाके कन्हैया जी से कह बाबू जी कह ले हैं 500 रुपया दे दे। हम ना जी कन्हैया जी के कहे, थोड़ा ये कहे आए लिए कि हमारा एक साल फार्म भरे के बाद कल 500 रुपया हमको मिल जाते। अरे अरे अमर अमर बाबू जी, हम सोच रहे हम एक नया बैग खरीद। चुप चुप, पढ़े लिखे के सितारे भाई, बस रोज एक नया बैग चाहिए। दुल्हन के सारी छाव बता ले बड़ा ना। सोहरी छाव? अरे हाँ हाँ, आई है लोग कैसे कैसे दूर कहल जाला, मैं सोहर के लोग जाई। हुआ थोड़ी देर चुप भी रहल करा तू नु। कन्हैया जी बहुत देर हो गई बा, वही जो सब मेहमान आ गई हुई। माई हम तो कब से तैयार होके बैठे बने, उनका के बोला जल्दी बाहर आओ तैयार होके, हम मोटरसाइकिल निकालते निकले। अरे कहते ना सौ सिंगा कर वो एक नहीं, मैं इलाका के लोग तारे देखे ना आई, जल्दी निकला। तीन लेखा लपेट ले ले बड़ू, ठीक से करा। हाँ अब ठीक बा। दुल्हन ताहर सीता हर कहाँ बा? दुल्हन हम पूछा था नहीं, ताहर सीता हर कहाँ बा? अरे तारा आता ना समझदारी नहीं थे कि गहना गुड़िया बक्सा में बंद करे वाला रखी चीज ना हा। मौका मिला पहने तो कहते कब पहनी है काहे खाती मिला बस ताहर बक्सा में साथ के रखे खाती ना। बुआ जी ऐसा बात नहीं थी। कैसन बात बा? अरे तारा बुझाए के चाहे कि चौधरी परिवार के पतो ही हूँ ना कि सोहतवारू पतवारू परिवार के। भौजी ई ना बड़ जेठ की इज्जत करती है ना कोनो बात मानती है, देखो कैसे फास के खड़ा भइल बिया। का दुल्हन हमरा कहला के तनको असर नहीं थे? ऐसा बात नहीं थे अम्मा जी। का बात बा? जब हम तारा के कह दीनी कि आपन सीता हार पहन के जाइबा तो कहे ना पहन लू। जान तर भौजी एकनी के नैहर में बड़ आदमी से भेटे ना हो, का जाने से के पहले ओढ़ के जा, बरियारी मत करा, जाके अपन सीता हार पहन के आ। प्रेमा जल्दी निकले देर होता। ढेर का पार पर जन चढ़ा अपने नैहर के। ए दुल्हन सोच ला अपन नैहर के भूल जाए, ओजा तू जो पहनत रहलू है वैसा सोचबू तो ना चली। चौधरी परिवार के इज्जत के बात बा, समाज में जैसे पहन ओढ़ के जाइबू लोग सन के न देखी। जा सीता पहन के आव। अब जा मुंह काहे तक करू? अम्मा जी बात ही बात की मैं सीता एजा नहीं थे।
थे? कहाँ बा? कहाँ हो गई? हमारी सीता गाँव ही छोड़ गई थी। प्रेमा तो होनी हो क्या ना कितना तैयार होकर में टाइम लगेगा तैयार तो हुई बड़ू तो खड़ा कर बड़ू चलो ना का भइल जी कुछ ना तो चलो ए भौजी हमरा तो बुझा था कि सीता हरवा नकलिए देले रहले आ देखावे खातिर कि सीता हार देले बनी चाची ई घर के नहीं कि हमरा से देले भी ना देवाई माँ जी रोवा खाना खेली कि ना अब अम्मा जी की फिक्र करे कि कोनो जरूरत नहीं खे बुझलो हाई ना देखी दीदी का भइल मिल से धान कुटा के आइला अहराम कितना टुकड़ा टुकड़ा चाउर बा ये मिल वाला दोसर धान के चाउर कुटवा के भेज देले बा हमने किया ये बात बा तो कुसुम एक काम करा वो सही भरल बोरा वो मिल पे वापस भिजवा दा एक को मुठी चाउर मत निकरी हा सब तरफ लूट मचल बा उहे नु कहतनी ई तो एकदम खुदी का टुकड़ा हा हमनी के घरे के खैबो ना करी ठीक कहता नी रुआ ई भरल बोरा ऐसे ही हम भेजवा देता नी मिल पर तब बुझाई उलो के बाप रे बाप हम जाने की खाली सहुआ ही बेईमान बा लेकिन यहाँ तो सभे ही है बा अरे मंजू आओ आओ खुश रह भैया खुश रह ला बैठा ससुराल जाके तैयारी होता है बड़ा खुश लगा तेरे सुना था नहीं मेहमान जी आवे वाला बाड़न अच्छा से रहिया अब वैसे भी बेटी तो धान के बिया के समान हो खेला परे ला कोनो और खेत में और फसल पाके ला कोनो और खेत में अब बिटिया कोनो 19-20 होखे तो ध्यान ना देबे के चाहिए का हो गेल बिटिया काहे रोए लगलू चाची ये आंसू कई दिन से अपन सीना में दबा के रखले रही बाकी डरात रही कि केहू के सामने अगर छलक जाई तो सब औरे भी ताना मारी हमके बाकी उनकर आवे की खुशी में हमारा आग भर जात चला कम से कम तरह ससुर के सद्बुद्धि तो आईल ना ना चाची उनका सद्बुद्धि नहीं के आईल हाँ बाकी उनकर बेटा के बती फिर गईल बा और ये सब उपकार हमार सखी प्रेमा के है उनकरा समझावले से ही हमरा के ले जाए खातिर आ रहल बाड़े जाय द मंजू जितना दिन दुख के रहे से कट गई अब आगे के सोचो हाँ चाची यही से रहुआ लोग के आशीर्वाद लेवे आयल बानी अब हम चलत आ एक मिनट रुका बिटिया कुसुम एक काम करा जा भितरे से एगो साड़ी ले आ एगो रुमाल में खोइचा बांध के ले आ आखिर बेटी के विदाई हा हमरो लोग के तो कोनो फर्ज बनत बा का भइल मंजू काहे रोए लगलो का हो गेल बिटिया चाची ई घर के नहीं कि हमरा से देले भी ना देवाई आज खोइचा बांध के एगो बेटी के लाज राख दे लो हमके मालूम बा कि हमार भाव जाई खोइचा में एगो हल्दी के टुकड़ा भी ना डरी है अरे तो का हो जाई तू हमने के बेटी नहीं खो हाँ बिटिया हाँ ऐसन मन छोड़ जिन करी हाँ बाजारे से मैं काचे काचे केरवा उठा ले आवत रे सब कच्चा बा तो छोड़ दा पकल का खा ल काहे के पैसा नहीं लागल ए भौजी हम केरा काहे खातन काहे भौजी हमरा पेट में एगो बात नहीं खे पचत
कि कोनो लड़की नैहर में जाके सितार छोड़ के कैसे आ जाए। हमरा बुझत कोई नकली रहुए, तू हाथ में लेके देखले रहलू है? ए नना जी, अब बेटी पतोह के जेवर गुड़िया देखे के जाए का? हाँ ए भौजी, हम तार से कहले रहनी हमें कि नैहर में जाके सुधर के ना आई हूँ, छत्तीस ही पढ़ के आई हूँ। कहना गुड़िया कहीं जाके नैहर में छोड़ के आवल जला कि ब्याह शादी रहल है? तो सीतार नैहर में छोड़ के आ गई है। लोग कहला कि दाल में करिया बा, बाकी ये तो पूरे दाल में करिया बा। आज मौका लागल तो तू पूछ ले लू, नहीं तो अब दुल्हीन हमरा की ई बात ना बताई थी। आ गेलो जा। ए बुआ, तोहरो जाए के जहां तकला राय दिखिया काहे तार मेरा रुक के दाई बन के कुछ सोच ले लू तू? अरे हमरा कहे के मतलब ई रलो कि वहां इतना वैरायटी वैरायटी के खाना बनर लो, मिठाई बनर लो, पटना से हलवाई मंगोल रलो। अच्छा अपने मेरा के पेट भर के खिया देलन। माँ जी, रवा खाना खेली कि ना? अब अम्मा जी की फिक्र करे कि कोनो जरूरत नहीं थी, बुझ लो। पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी का है भाड़ में। भौजी, आज तो जवाब देती है का तार झोटवा भर के घर से बाहर कर। धर्मशाला ना हो कि चंदा के पैसे से भूखा नंगा के पेट भरल जाई के? हाँ भूखा नंगा,